गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के द्वारा शनिवार को सिविल लाइन्स स्थित नेपाल क्लब में दो दिवसीय मंथन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भारतीय संस्कृति व साहित्य विषय पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि कुछ इतिहासकारों ने भारतीय संस्कृति को भुला दिया है, क्योंकि उनकी नज़र में भारतीय संस्कृति के नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्र होने के बाद जो इतिहासकार सत्ता से जुड़े रहे, उन्होंने अंग्रेजों से भी ज्यादा नुकसान भारतीय संस्कृति को दिया है। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय इतिहास लेखन संगठन के सचिव डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे, भारत अध्ययन केंद्र वाराणसी के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश उपाध्याय सहित अन्य साहित्यकार व पत्रकार मौजूद रहे। आपको बता दें कि मंथन कार्यक्रम में टेराकोटा को बढ़ावा देने के लिए स्टॉल, पुस्तक मेला तथा फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, इस वैचारिक मंथन में मंच पर काफी दिनों के बाद जिनको मैं मिल रहा हूं, राजेंद्र यादव जी जो यही विश्वविद्यालय में सैन्य विभाग में अध्यक्ष के रूप में रहे, फिर कुलपति रहे, फिर इस समय भी मगध विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, मेरे मित्र भी हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य वक्ता, क्योंकि आकर्षण के विषय वही है, जो अखिल भारतीय इतिहास संकलन के अखिल भारतीय पदाधिकारी हैं, जिनका प्रवास पूरे भारत में होता है, श्रीमान बाल मुकुंद जी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडे मणि जी, रत्नेश त्रिपाठी जी, अजय उपाध्याय जी और गरिमामय संचालन जो अपने शब्दों में करते हैं, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार संजय त्रिपाठी जी, उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार मित्रों, अन्य सम्मानित अतिथिगण, आगत बंधुओं, छायाकार मित्रों, मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि मेरी फ्लाइट लगभग 2.5 घंटे विलंब से यहां पहुंची है। विजिबिलिटी न होने के नाते दिल्ली से भी लेट उड़ी, फिर यहां आई, और अभी मुझे एक कार्यक्रम में रामकोला वहां शहीद स्थली पर जाना है, वहां आयोजित है। भारतीयता के संदर्भ का ही मंथन हो रहा है, क्यों संजय जी? भारतीय संस्कृति और
शब्दों का चयन भारतीय संस्कृति और विश्व, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति के साथ विश्व जोड़ने की आवश्यकता नहीं। आज जरूर इस पर मंथन हो रहा है, मंथन इस नाते हो रहा है कि कुछ लोगों ने, कुछ इतिहासकारों ने भारतीय संस्कृति को ही भुला दिया था। उनकी नजर में भारतीय संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं थी। जैसे कभी वेद के संदर्भ में मैं सुनर ने यह कहा था कि गलियों की भाषा वो है, और अपने यहां जाकर के उसी वेद पर शोध कर करके जो है अनेक प्रकार के उत्थान किए। जैसे अंग्रेजों ने हम लोगों को मदारी तक बना दिया था। देश के स्वतंत्र होने के बाद जो इतिहासकार उस समय सत्ता के दृष्टि से जुड़े रहे, मैं समझता हूं कि उन्होंने अंग्रेजों से भी अधिक नुकसान हमारी भारतीय संस्कृति को किया। पूरे इतिहास को उन्होंने एकदम से नकार दिया। यहां पर जब चर्चा होती है किसी गीत में आया कि शून्य हमने दिया, दशमलव हमने दिया, उनके लेखनी में इसके लिए कहीं स्थान नहीं था। वेद के लिए कोई स्थान नहीं था। उपनिषद जो शायद मैं समझता हूं कि भारतीय वाङ्मय का सर्वाधिक उत्कृष्ट रचना है, उसमें कठोपनिषद आता है। इसमें एक बालक अपने पिता के अनेक शब्दों से बार बार जब पूछने के बाद ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो उसके पिता ने कहा कि मनुष्य कहा जाता है बताइए। उन्होंने कहा कि जाओ मृत्यु की स्थिति में जाओ, और उस लड़के पर कोई असर नहीं पड़ता, उछल जाता है यमराज से प्रश्न करने के लिए। और यमराज और बालक के जो संवाद है वो कठोपनिषद में आकर के उद्धृत होता है। शायद इसकी कल्पना भी उन इतिहासकारों ने की होगी, लेकिन उसको भुलाने का ही प्रयत्न किया, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो भारतीय इतिहास, भारतीय शास्त्र, भारतीय दर्शन का कोई मतलब नहीं था। पालनपुर जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, राजन जी या बैठे कभी अनेक बार इन्होंने रक्षा से संबंधित कई पुस्तकें भी लिखी हैं, ने कई पुस्तकें इनकी प्रकाशित किया, कई विद्यार्थी के संग्रह भी इनके संपर्क में रहे, और जिस प्रकार से इन लोगों ने मंथन किया तो हमने इसी नाते कहा कि विश्व का मतलब रखने का शब्द कोई इस नाते आवश्यक नहीं है। संस्कृति मानते रहे हैं, लेकिन आज भी इन भारतीय संस्कृति उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही थी, उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही थी। वहां के लोग आज भारतीय संस्कृति पूरा दौड़ रही है। आज लोगों को लगता है कि हमारा संस्कृति आगे उनको जा रहा
ये जो मंथन यहाँ शुरू हुआ है वो सराहनीय है, इसके लिए सबकी सराहनीय है। और श्रद्धालुओं के लिए उपस्थित है, मुझे काम करा जाना है ताकि संदर्भ में और सब संदर्भ में राजेंद्र रखेंगे। मुझे लगता है कि सारी की सारी छोटा नहीं रखते आप लोग, किसी को सांप्रदायिक बना दिया। ये हमारे शास्त्रों में कहीं जाति की बात नहीं है, और छोटा ही बनता है, छोटा ही बनता है, बड़ा भी बनता है। लेकिन इस राजनीति स्वतंत्रता के बाद से अंग्रेजों ने कुछ किया और मुगलों ने उसको शुरू किया, अंग्रेजों ने उसको आधार दिया, उसको तोड़ने मरोड़ने का काम किया और भारतीय समाज लड़ने लगा। मैं बधाई दूंगा देश के प्रधानमंत्री को, उनकी नजर में गरीबों का उत्थान जो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि जब तक हम लोगों के भूमि निवाले नहीं दे देंगे, रहने के लिए घर नहीं दे देंगे, पहनने के लिए कपड़े नहीं देंगे, का एक सम्मान है वो भी ले लीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि मैं तो प्रेस क्लब का आभारी हूँ कि इन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। यह कार्यक्रम इस नाते भी और अधिक उपयोगी है कि इससे भारतीय संस्कृति के संदर्भ में लोगों को जानकारी मिलेगी, जिस संस्कृति को लोगों ने इतिहास में तिरोहित कर दिया था। आज इस मंथन के द्वारा जो विचार आएंगे वह विचार पूरे भारतीय जनमानस में जाएंगे और विश्व पटल पर भारत हमेशा रहा है, जिसको केवल भुलाने का काम किया गया है वह पूरा होगा। भारत जो धर्म ये जो है गुरु की बनने की स्थिति है, विश्व गुरु, वह उससे एक छोटा सा संदेश जाएगा और बाद में उसकी पूर्ति होगी। कि आप जाकर के अगर वहाँ देखें तो दिल्ली के पूरे पेपर भरे हुए हैं कि उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को तो बाहर कर दिया, लेकिन उनको नहीं बाहर किया जो खजड़ी के आधार पर वहाँ CAA के संदर्भ में कर रहे हैं, जो वहाँ पर एक आंदोलन हुआ था उसके संदर्भ की बात कर रहे हैं, किसान के संदर्भ में नहीं। तो कुल मिलाकर के वह किसान भी आंदोलन जो हो रहा है, भारत सरकार ने उनकी सभी मांगें मानी ही नहीं बल्कि उससे अधिक मानी है। पंजाब के जो थोक व्यवसायी वो कर रहे हैं, पहले भी पंजाब में पेप्सिको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता था, आज वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उनके लिए बुरी हो गई है। छिंदवाड़ा में कमला जी करते थे, वो बुरी हो गई है। अमरिंदर सिंह पंजाब में शुरू की, बुरी हो गई है, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार का विरोध करना है विषय कोई नहीं है, इस नाते आयोजित है। और थोक जो लोग ये करते हैं मंडियों का, उनकी मंडी चली जाएगी इस नाते है। भाई सोते हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग रहा हो सोते का बहाना करता है उसको कैसे जगाया जा सकता है। जब वार्ता के लिए बार बार बुलाया जाता है, उनका कहना यह कि पहले कानून रद्द करो। अरे भाई, अगर हमारा कानून गलत है तो आप आओ टेबल पर बात करो, बात करने के बाद आप वहाँ समझाओ कि ये गलती है। आप MSP की बात किए, MSP सरकार दे रही है, आप बाजार की बात किए वो दे रही है, कोई ऐसी बात नहीं है जो इनकी मांगों में है उसको हमने पहले ही ना पूरा कर दिया। तो ऐसी स्थिति में प्रायोजित है विपक्ष के द्वारा, प्रायोजित है वामपंथियों के द्वारा प्रायोजित है, और जो वो गल्ले इत्यादि का जो थोक वो करते हैं उन लोगों ने इसको पूरी तौर पर प्रायोजित किया। मंथन कार्यक्रम का आयोजन किस मंथन कार्यक्रम का जो आयोजन है वो बहुत सराहनीय है। इससे भारतीय संस्कृति पर बार बार मंथन हुआ, इतिहास पर, जिन लोगों ने इतिहास को नष्ट कर दिया था आज उस इतिहास पर यह कि भारतीय संस्कृति कितनी उदात्त है उसका मंथन है, इसमें मैं शामिल हूँ।